इसकी पत्ती सिर्फ सूंघने से सिर दर्द का जड़ से सफाया, पीने से मर जाएंगे पेट के कीड़े और पिचकारी मारने से बंद हो जाएगा नाक से बहता रक्त, जानिए कैसे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, नींबू का अनोखा गुण यह है कि इसकी खट्टी खुशबू खाने से पहले ही मुंह में पानी ला देती है। चाट हो या दाल, कोई भी व्यंजन इसके सामने से और भी सुस्वाद हो जाता है। यह फल खट्टा होने के साथ साथ बेहद गुणकारी भी है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं नींबू के पत्ते भी बहुत ही उपयोगी होते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं नींबू के पत्तों के कुछ ऐसे ही रामबाण प्रयोगों के बारे में। पहला है सिरदर्द या माइग्रेन में नींबू के पत्तों के फायदे। नींबू के पत्तों का रस निकालकर नाक से सूंघें। जिस व्यक्ति को हमेशा सिरदर्द बना रहता है उसे भी इससे शीघ्र आराम मिलता है। यह प्रक्रिया लगातार कुछ दिनों तक करने से ऐसे परिणाम मिलेंगे कि आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। हमारे द्वारा किए गए कुछ पीड़ितों पर यह प्रयोग इतना कारगर निकला कि उनकी सिरदर्द माइग्रेन की समस्या का जड़ से सफाया हो गया। अगला है सिर के जिस तरफ के भाग में दर्द हो रहा हो उस तरफ के नथुने में 6-7 बूंद सरसों का तेल डालने अथवा सूंघने से दर्द एकदम बंद हो जाता है। 4-5 दिन तक दिन में 2-3 बार इसी प्रकार सूंघने से कई बार दर्द सदा के लिए मिट जाता है। अगला है पेट के कीड़े। 10 ग्राम नींबू के पत्तों का रस में 10 ग्राम शहद मिलाकर पीने से 10-15 दिनों में ही पेट के कीड़े मरकर नष्ट हो जाते हैं। नींबू के बीजों के चूर्ण की फांकी लेने से भी पेट के कीड़ों का नाश हो जाता है। अगला है नाक से खून आना। ताजे नींबू का रस निकालकर नाक में पिचकारी देने से नाक से खून गिरता हो तो बंद हो जाएगा। गाय का ताजा घी सुबह शाम 2-4 बूंद नाक में रुई से टपकाने अथवा सूंघते रहने से आधे सिर का दर्द की पीड़ा जड़ से खत्म हो जाएगी। साथ ही इससे नाक से खून गिरना भी जड़ मूल से नष्ट हो जाता है। इसे लगातार 7 दिनों तक करें। बात करते हैं नींबू के अन्य फायदों के बारे में। शुद्ध शहद में नींबू की सिकंजी पीने से मोटापा दूर होता है। नींबू के सेवन से सूखा रोग भी दूर होता है। नींबू का रस एवं शहद एक एक तोला लेने से दमा में बहुत ही आराम मिलता है। नींबू का छिलका पीसकर उसका लेप माथे पर लगाने से माइग्रेन ठीक हो जाता है। नींबू में पिसी काली मिर्च और नमक छिड़क कर जरा सा गर्म करके चूसने से मलेरिया के ज्वर में आराम मिलता है। नींबू के रस में नमक मिलाकर नहाने से त्वचा का रंग निखरता है और सौंदर्य बढ़ता है। नौसादर को नींबू के रस में मिलाकर लगाने से दाद ठीक हो जाता है। नींबू के बीज को पीसकर लगाने से गंजापन भी ठीक हो जाता है। बहरापन हो तो नींबू के रस में दालचीनी का तेल मिलाकर डालें। आधा कप गाजर के रस में नींबू निचोड़ कर पिएं तो रक्त की कमी दूर होगी। 2 चम्मच बादाम के तेल में नींबू की 2 बूंद मिलाएं और रुई की सहायता से दिन में कई बार घाव पर लगाएं। घाव बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। प्रतिदिन नाश्ते से पहले 1 चम्मच नींबू का रस और 1 चम्मच जैतून का तेल पीने से पथरी से छुटकारा मिलता है। किसी जानवर के काटे या डसे हुए भाग पर रुई से नींबू का रस लगाएं, बहुत ही लाभ मिलेगा। 1 गिलास गर्म पानी में नींबू डालकर पीने से पाचन क्रिया ठीक रहती है। खांसी कब्ज और पीड़ा में भी नींबू चमत्कारिक प्रभाव दिखाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि मसूड़ों से खून रिसता हो तो प्रभावित जगह पर नींबू का रस लगाने से मसूड़े स्वस्थ हो जाते हैं। नींबू का रस पानी में मिलाकर गरारा करने से गला खुल जाता है। छोड़ कर पिएं तो रक्त की कमी दूर होगी। 2 चम्मच बादाम के तेल में नींबू की 2 बूंद मिलाएं और रुई की सहायता से दिन में कई बार घाव पर लगाएं। घाव बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। प्रतिदिन नाश्ते से पहले 1 चम्मच नींबू का रस और 1 चम्मच जैतून का तेल पीने से पथरी से छुटकारा मिलता है। किसी जानवर के काटे या डसे हुए भाग पर रुई से नींबू का रस लगाएं, बहुत ही लाभ मिलेगा। 1 गिलास गर्म पानी में नींबू डालकर पीने से पाचन क्रिया ठीक रहती है। खांसी कब्ज और पीड़ा में भी नींबू चमत्कारिक प्रभाव दिखाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि मसूड़ों से खून रिसता हो तो प्रभावित जगह पर नींबू का रस लगाने से मसूड़े स्वस्थ हो जाते हैं। नींबू का रस पानी में मिलाकर गरारा करने से गला खुल जाता है। हो तो प्रभावित जगह पर नींबू का रस लगाने से मसूड़े स्वस्थ हो जाते हैं। नींबू का रस पानी में मिलाकर गरारा करने से गला खुल
खुल जाता है, गला खुल जाता है।